हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए परमानेंट बहाली निकल कर आ रही है सीमा शुल्क के आयुक्त कार्यालय, और ये पड़ता है आप लोग का पुणे में। और यहाँ पे बोल सकते हैं ये कस्टम मैरिन विंग के तरफ से ये बहाली है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा फॉर्म कैसे भरना है। और ये बोल सकते हैं आप लोग का ये जो होता है भारत सरकार का, बोल सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ है, ये डिपार्टमेंट आप लोग का यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ग्रुप सी नन गैजेटेड पोस्ट है आप लोग का। ये कस्टम मैरिन विंग में आप लोग का पुणे में आप लोग का यहाँ पे पोस्टेड किया जाएगा। ये PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम पे दे दूंगा, नीचे में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे डेट देख लीजिए, ये पुणे 28 जुलाई 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे कुछ पोस्ट है गाइस, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोग को बहुत बार वीडियो में कि कोरोना की वजह से बहाली थोड़ा कम निकल रहा है, तो आप लोग पेशेंस रखिए, धैर्य बनाकर रखिए, आने वाले समय में आप लोग के लिए परमानेंट अच्छा बहाली निकलेगा। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंडियन नेशनल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट। यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए एक जो पोस्ट है ये इंजीनियर मेट का है, यहाँ पे टोटल एक सीट है SC वालों के लिए। तो यहाँ पे कुछ एक स्पेशल मतलब कि क्वालिफिकेशन आया गया है, तो यहाँ पे आप लोग ये एक चीज़ पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो मैं मेनली रूप से IT वालों की बात करूँगा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये देख पा रहे होंगे ये ट्रेड्समैन का बहाली है, यहाँ पे लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा। आप लोग का बेसिक सैलरी 19,900 बनेगा, ग्रेड पे आप लोग का 1900 का रहेगा। एक सैलरी है अनरिजर्व की, 18 से 25 साल चाहिए। यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैकेनिक डीजल मैकेनिक फिटर टर्नर वेल्डर इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंटल या कारपेंटरी में 10th पास रहना चाहिए, और 2 ईयर का आप लोग का एक्सपीरियंस रहना चाहिए ऑटोमोबाइल्स में या इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में। ये चीज़ डिजायरेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म फिर भी आप भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है गाइस आप लोग को यहाँ पे, ये भी आप लोग का ITI वालों के लिए है। तो ये क्या है पोस्ट का नेम, यह है अनस्किल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर। यहाँ पे टोटल 3 सीट है अनरिजर्व वालों के लिए। यहाँ पे 10th पास रहना चाहिए और ITI पास रहना चाहिए कौन कौन सा ट्रेड में, ये डिजायरेबल है, लेकिन लगाइएगा तो आप लोग को मान्यता मतलब कि प्रेफरेंस मिलेगा। मैकेनिक में डीजल मैकेनिक फिटर टर्नर वेल्डर मशीनिस्ट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या कारपेंट्री में एक्सपीरियंस है आप लोग का ऑटोमोबाइल में या इंडस्ट्रियल वर्कशॉप में, तो आप लोग लगा दीजिएगा। यहाँ पे ग्रेड पे 1800 का रहेगा, बेसिक सैलरी आप लोग का 18,000 बनेगा। एज रिलैक्सेशन आप लोग को मिल जाएगा 5 साल SC ST वालों के लिए, OBC वालों के लिए 3 साल। यहाँ पे आप लोग का रिटन टेस्ट होगा, फॉर्म आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑफलाइन मोड में भरना है। यहाँ पे आप लोग का इस एड्रेस पे भेजना है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे द ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, द कमिश्नर ऑफ कस्टम पुणे 4th फ्लोर, इस एड्रेस पर आप लोग को भेज देना है। और गाइस फॉर्म आप लोग का यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ऊपर में ये चीज़ लिखा रहना है आप लोग का, ये इनवलप आप लोग को उसमें 28 cm × 13 cm रहना चाहिए, और बोल्ड लेटर में आप लोग को लिखा रहना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द मैरिन विंग पोस्ट कस्टम ये पुणे, और जो पोस्ट का अप्लाई कीजिएगा वो आप लोग को लेफ्ट कॉर्नर में आप लोग को लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप सभी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाइएगा, और 4 अनसाइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाइएगा, और स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट कर देना है। और ये 3 सितंबर 2021 से पहले करना है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यही आप लोग को भर के भेजना है। यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट डालना है, डॉक्यूमेंट तो सेल्फ अटेस्टेड जो जो डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया है वो आप लोग को डाल देना है यहाँ पे इनवॉल्व में। यही है आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म, मैं PDF टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज ये था आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलूंगा नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।